नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली चिकन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना चिल्ली चिकन। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो दोस्तों, हमने चिल्ली चिकन बनाने के लिए ये चिकन ले लिया है। लहसुन बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ये प्याज मोटा कटा हुआ, और शिमला मिर्च, ये चिकन ले लिया है। और अब हम इसे मैरिनेट के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक और लगभग 2 चम्मच अरारोट, और 1 से 1.5 चम्मच मैदा, और साथ में डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगभग 1 चम्मच, थोड़ा सा डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और सोया सॉस लगभग 1 चम्मच, विनीगर भी 1 चम्मच डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे हम इसमें 1 अंडा, इसे अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, हम इसे अच्छे से एक साथ मिला लेंगे सब कुछ। और इसे मिलाने के बाद हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिल चुका है, और अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो दोस्तों, हमारा ये चिकन आधे घंटे तक अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे तेल में। और चिकन को फ्राई करने के लिए हमने ये गैस में कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे तेल, तो दोस्तों हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो दोस्तों, इसे हम लो फ्लेम पे आराम से फ्राई होने देंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और बीच बीच में हम इसे पलटते भी रहेंगे। अभी हमारा चिकन धीरे धीरे ब्राउन होने लग गया है,
जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हल्के से, तो फिर हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा चिकन अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। तो दोस्तों हमारा ये चिकन जो है पूरा फ्राई हो गया है। अब हम दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए हमें कढ़ाई में तेल ले लिया थोड़ा सा, और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और हमारी लहसुन बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और प्याज। और साथ में डाल देंगे हम ये शिमला मिर्च और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। और जब हमारी ये सब्जियां हल्की फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ये 1 से 2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें विनेगर। और ये लगभग 1 चम्मच डाल देंगे सिरका। साथ में डाल देंगे ये चिकन और इसे अच्छे से मिला देंगे। और साथ में डाल देंगे दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा अरारोट घोल के, एक इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे
और जब अच्छे से बन जाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और दोस्तों हमारा ये चिल्ली चिकन तैयार है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये तैयार है हमारा चिल्ली चिकन।